नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप अपने रंजना वेजपुर चैनल में। तो आज मैं अपने घर का मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है वो कर रही हूँ। यहाँ पर देखिए उड़द लिया हुआ है मैंने, इसको मैंने धूप में सुखवा दिया हुआ है। और देखिए, और ये जो ये है इसको चकरी बोलते हैं, जो कि पत्थर का बना रहता है गाँव में। और दाल जो भी दाल दरना होता है इसी से दरते हैं हम लोग। तो अभी हम उड़द का दाल जो है उड़द दर लेते हैं और इसका दाल बना लेते हैं। तो बहुत ही बढ़िया से दाल बन जाता है, चाहे अरहर का हो चाहे मटर का हो, जिसका भी दाल बनाना हो इससे बना सकते हैं। गांव में ऐसे ही दाल जो है दरा जाता है, अरहर का भी। आज हम उड़द का दाल दर रहे हैं। उड़द से हम कुछ ऐसी चीज़ बनाएंगे जो सब्जियों की जान होती है, सब चीज़ में डाल दो तो उसका टेस्ट जो है बढ़ जाता है। आप लोग भी जान ही गए होंगे कि आज हम क्या बनाएंगे। चलिए सबसे पहले फटाफट हम उड़द से दाल बना लेते हैं। अभी आप लोग देख सकते हैं मेरी चकरी टूट गई दाल डरते डरते। दरअसल दोस्तों ये जो है ना लकड़ी, ये बहुत पुरानी है, इसकी ख़राब हो गई है, टूट गई है। तभी हम यहाँ देखिए दूसरी बनवाएंगे, तो इसको डालेंगे, सेट करेंगे पहले। चलिए यहाँ पर दूसरी लकड़ी रख दिए हुए हैं, अब इसके अंदर ऐसे रखेंगे। ये देखिए हमारा सेट हो गया, तो अच्छे से दाल हम डाल पाएंगे। साफ करेंगे, जो छिलका है उसको अलग करेंगे और दाल जो है अलग कर लेंगे। तो एक कपड़े पर हम पछोरेंगे ताकि जो छिलका है उसको अपनी गैया को डाल देंगे तो वो खाएगी। अभी आप लोग देख सकते हैं, देखिए दाल मैंने अच्छे से साफ कर दिया हुआ है पछोर करके। अब इसको रख देते हैं। दाल साफ करने के बाद इसको हम भिगोएंगे, इसमें डाल देते हैं पानी। तो 4 से 5 घंटा के लिए हम उड़द को भिगो देते हैं पानी में। तो अभी देखिए 4 घंटा पूरा बीत चुका है और उड़द की दाल हमारा एकदम फूल गया है। तभी हम इसको इस तरीके से हाथों से मसलेंगे, इसका छिलका अलग करेंगे, इसे हल्के हाथों से दबा करके ऐसे हथेली पर रख करके ऐसे हाथों से मसलेंगे। अब इसका पानी हम पसा देते हैं दूसरे बर्तन में, जो छिलका होगा वो निकल जाएगा। अभी आप लोग देख सकते हैं दाल मैंने बहुत ही अच्छे से धुल के साफ कर लिया हुआ, इसमें छिलका नहीं है। अब इसको हम यहाँ देखिए मैंने सिलबट्टा लिया हुआ, सिलबट्टा मैंने पहले से धुल के साफ किया हुआ है। तो उड़द की दाल हम सिलबट्टे पर रख करके पीसेंगे। तो अभी इतना देखिए दाल मैंने पीस लिया हुआ है। दाल मैंने एकदम महीन नहीं पीसा हुआ है, थोड़ा दरदरा ही रखा हुआ है। कोहड़वरी के लिए ऐसा ही दाल पीसना जरूरी है। इसको थाली में रख देते हैं। दाल मैंने पूरा पीस के तैयार कर लिया हुआ है। तो आइए आप लोग को हम कोहड़वरी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर क्या क्या सामग्री लिया हुआ है दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने 2 किलो मिर्च लिया हुआ है, तो मिर्च का भी मैंने डंठल नहीं हटाया हुआ है, तभी इसको हम साफ करेंगे। 3 पाव यहाँ पर मैंने अदरक लिया हुआ है अभी, और 1 किलो हमारा उड़द का दाल था, इसको मैंने पीस लिया हुआ है। और यहाँ पे मैंने इतना थोड़ा सा लिया हुआ है हींग, और इतना लिया हुआ है जीरा, और 100 ग्राम हमारा गरम मसाला है, इसको मैंने पीस लिया हुआ है। और यहाँ पर 1/2 किलो हमारा धनिया है, धनिया को भी मैंने पीस लिया हुआ है। तो इसको पीठी बोलते हैं, तो पीठी हम इस तरीके से बगल बगल कर देते हैं, बीच में गड्ढा कर देते हैं। तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ मसाला। तो सबसे पहले मैं धनिया डाल देती हूँ, अब मैं डाल देती हूँ मेथी,
जीरा और गरम मसाला। अब मैं इसमें डाल देती हूँ पानी। पानी डाल करके मसाला मैं अच्छे से सानूंगी। तो मसाला को हमें भिगोना है ताकि जो मेथी है और जीरा है अच्छे से फूल जाए। तो सभी मसाला मैं पीठी से ऐसे मूंद देती हूँ। तो पूरा उड़द की दाल से मसाला मैंने ढक दिया हुआ है। तो यहाँ ऊपर देखिए मैंने गड्ढा कर दिया हुआ है, तो इसमें मैं डाल देती हूँ हींग। देखिए हींग मैंने डाल दिया। तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ पानी। तो ऐसे क्या होगा कि हमारा हींग जो है धीरे धीरे इसी में गल जाएगा। तो जब भी आप कड़ोरी बनाए तो यही गीला वाला हींग ले, तो इससे बहुत ज़्यादा अच्छा खुशबू आता है और टेस्ट भी आता है। तो पूरा एक रात के लिए पीठी को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। अदरक मैंने पानी में भिगोया हुआ था, तो अभी इसका छिलका उतार लेते हैं हम। अदरक का छिलका निकाल लिया हुआ है, तो इसको खलबट्टे में डाल करके अदरक हम कूट लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए अदरक मैंने कूट लिया हुआ है, तो इसको हम एक बर्तन में गिरा लेते हैं। तो अदरक को मैंने एकदम महीन नहीं पीसा हुआ, कूटा हुआ है, थोड़ा बारीक ही रखा हुआ है। तो कढ़ाई के लिए ऐसा ही अदरक कूटना जरूरी है। तो यहाँ पर लाल वाला 5 मिर्च मैंने अलग कर लिया हुआ है और मिर्च का डंठल मैंने हटा दिया हुआ है। तो अब हम मिर्च कूटेंगे खलबट्टे में डाल करके। तो मिर्च का जो बीज है आँखों में न जाए इसीलिए हम चश्मा लगा लेते हैं। अब हम मिर्च कूटेंगे, क्योंकि कूटते समय बीज बहुत मतलब बहुत दूरी तक जाता है इसीलिए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मिर्च हमारा कूट गया है। अब इसको हम एक थाली में गिरा लेते हैं। तो सब सामान लेकर के हम छत पर आ गए हैं। सबसे पहले जो मैंने पीठी और मसाला मिलाकर रखा हुआ, पहले इसको हम हाथों से मिला लेते हैं। हाथ में मैंने देखिए ग्लव्स पहन लिया हुआ है। तो देखिए अंदर जो मैंने मसाला भिगोया हुआ था, ये मेथी और जीरा बहुत बढ़िया से फूल चुका है। और हींग भी आप लोगों ने देखा, देखिए हींग भी हमारा एकदम गल गया है। अब ऐसा क्या रहेगा कि हींग सभी जगह अच्छे से मिल जाएगा। तो एक परात में सब सामान मैंने ले लिया हुआ। अब अच्छे से इसको हम सभी चीज़ मिला देते हैं। देखिए मैंने अदरक मिला दिया हुआ, अब मैं इसमें मिर्च मिलाती हूँ। तो सभी चीज़ मिलाती हूँ हाथों से। यहाँ पर सब कुछ मैंने अच्छे से मिला दिया हुआ है। अब हम कड़ौरी डालना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम भगवान का नाम लेकर के 5 कड़ौरी डालते हैं। बीचों बीच हम डालेंगे क्योंकि पुराना रीति रिवाज है। तो 5 कड़ौरी हो गया है। अब मैं इसमें लाल मिर्च खोसूंगी। तो देखिए 5 मिर्च मैंने अच्छे से खड़ा कर दिया हुआ है। सिंदूर का टीका लगा देते हैं। तो अब हम बड़ी बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए हम इतना बड़ा बड़ा बना रहे हैं, आप अपने पसंद के साथ छोटा बड़ा बना सकते हैं। तो इतना देखिए बड़ी मैंने डाल लिया हुआ है। तो इसी तरीके से मैं पूरा बड़ी डाल लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए पूरा कड़ौरी मैंने डाल दिया हुआ है। तो इतना ढेर सारा हमारा बड़ी बनके तैयार हो गया है। तो इसको गांव में कड़ौरी बोलते हैं और बड़ी भी बोलते हैं। तो अब इसको हम पूरा 4 से 5 दिन तक धूप में सुखवाएंगे। तो 4 से 5 दिन बीत गया है, अभी आप लोग देख सकते हैं। देखिए बड़ी हमारा बहुत ही बढ़िया से सूख गया है। देखिए इसमें से कितना बढ़िया आवाज़ निकल रहा है। अभी इसको हम एक डब्बे में भर करके रखेंगे। देखिए किस तरीके से आवाज़ निकल रहा है। तो बिल्कुल इसी तरीके से हमें बड़ी को सुखाना है। मैंने डब्बा भर दिया हुआ है, इसका ढक्कन बंद कर देते हैं। तो इसको
इसको आप जितने साल चाहे उतने साल तक चला सकते हैं, खराब कभी नहीं होगा, बस इसको बीच बीच में धूप दिखाना होता है। आज मैंने आप लोग के साथ शेयर किया हुआ है कढ़ौरी की रेसिपी। आप लोग को वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना। चैनल पर नए हो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो इसको सब्जी में डालने से सब्जी का स्वाद जो है दोगुना हो जाता है। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ अलग तरीके की रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप लोग मेरा वीडियो अंत तक देखते हैं उसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।